हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैशाली और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम बना रहे हैं मशरूम की सब्ज़ी। छत्तीसगढ़ में हम इसे फूटू के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट होने के कारण हम इसे बहुत ही आसानी से इसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं हाथ से। और देख सकते हैं आप, मैं कितनी आसानी से इसके छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। छोटे छोटे इसके पीसेस हो जाने के बाद हमें इसके सारे पीसेस पानी में भिगाकर 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में रख देना है। पानी में भिगाकर रखने से क्या होता है ना, इसकी जो इम्प्यूरिटीज़, मिट्टी वगैरह, गंदगी जो होती है ना, वो सब साफ़ हो जाती है। सारा पानी इसका ड्रेन कर लेना है। अब बारी आती है मसालों की। सबसे पहले मैंने एक कटोरी चना दाल को भिगा कर रख लिया था। आप मटर और पालक के साथ भी मशरूम बना सकते हैं। आज मैं इसे चने की दाल के साथ बना रही हूँ। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी, 1 बड़ा प्याज को कद्दूकस कर लिया है मैंने, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। बस अब बारी है गैस में तेल गर्म करने की। जैसे ही तेल गर्म हो जाए हमें इसमें डालना है मशरूम। मशरूम को ना हमें अच्छे से फ्राई करना है, जिससे इसका सारा कच्चापन जो है ना वो कम हो जाए। अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है ब्राउन होते तक। बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। मशरूम की ना एक क्वालिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है, इसलिए हमें इसे ढक कर पकाना पड़ता है। बहुत अब देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर रहा है। इसे हमें करीब 10 मिनट के लिए ऐसे ढक ढक कर पकाना है। बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। और अब बारी आती है चने की दाल ऐड करने की। चने की दाल ऐड हो जाने के बाद हमें मशरूम और चने की दाल को अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर ढक्कन ढक देना है। अब देखिए ये अच्छे से हल्का ब्राउन हो गया, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इस तरह से मशरूम बनाकर देखिए, सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब बारी है दूसरे पैन में सभी मसालों को फ्राई करने की। अब मैंने दूसरे पैन में तेल गर्म कर लिया है। अब उसमें 1 चम्मच जीरा डालना है। जीरा पक जाने के बाद जो प्याज हमने कद्दूकस करके रखा था ना, वो डाल देना है। जैसे ही प्याज अच्छे से पकने लगे उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना है। अब ये सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और पक भी गए हैं। अब हमें इसमें टमाटर की प्यूरी जो हमने मिक्स करके बना के रखी थी ना, वो डाल देनी है। टमाटर डालने के बाद बारी है नमक डालने की। और नमक डालने के बाद हम सभी मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। बस फिर सब मसालों को मिक्स कर लेना है। सब मसाले जैसे ही कलर चेंज होने लगे उसका और कढ़ाई जैसे ही छोड़ने लगे, हमें इसमें डाल देना है मशरूम जो हमने अलग से एक प्लेट में डाल कर रखी थी ना वो। अच्छे से मशरूम और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हल्का ब्राउन होते तक इसे फ्राई कर लेना है। अच्छे से ये भून जाएगा। करीब इसे भूनने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। अब बारी है गरम मसाला डालने की। गरम मसाला डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है।
5 मिनट के बाद इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप इसे ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट के थ्रू। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।